नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के चार लेसन्स के विषय में पढ़ेंगे, जो मैक्रो लेसन प्लान्स हैं और चारों देशों के विषय में हैं। तो देशों के विषय में भूगोल में कैसे पढ़ाया जाता है और उसका लेसन नोट किस प्रकार से बनता है, उसके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेसन नोट: नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, प्रैक्टिसिंग स्कूल, स्टैंडर्ड 8th, लेसन नंबर जनरल 20, मेथड 10 एंड टॉपिक इज इजिप्ट, मिस्र भी कहते हैं इसे। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास: छात्र को विश्व के विभिन्न प्रकार के देशों के विषय में संक्षिप्त जानकारी है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ज्ञान: छात्र इजिप्त के प्राकृतिक संसाधन का ज्ञान प्राप्त करता है। स्पेसिफिकेशन में आएगा ज्ञान में, छात्र इजिप्त के प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र इजिप्त के जल संसाधनों का प्रत्यास्मरण करता है। अवबोध में, छात्र इजिप्त के प्राकृतिक संसाधनों का अवबोध विकसित करता है। और स्पेसिफिकेशन में आएगा, छात्र इजिप्त के जल संसाधन का वर्णन करता है। छात्र इजिप्त में पाए जाने वाले वनस्पतियों के नाम बताता है और छात्र इजिप्त के प्राणियों का वर्णन करते हैं। उपयोजन में आएगा, छात्र प्राप्त ज्ञान और अवबोध का उपयोग नवीन और अनभिज्ञ परिस्थितियों में करता है। और स्पेसिफिकेशन में आएगा, छात्र इजिप्त के खनिजों का महत्व बताता है। अब आइए इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। शिक्षक चित्र दिखाकर और प्रश्न पूछकर जो है इंट्रोडक्शन करता है। यह चित्र किसका है? स्फिंक्स का चित्र था। चित्र 2, यह चित्र किसका है? मम्मी का। तीसरा चित्र पिरामिड का था। और यह किस देश की विशेषता है? तो बच्चे कहते हैं इजिप्त। इसी तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ एम पे आते हैं। तो आज हम इजिप्त के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कंटेंट देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कंटेंट क्या है। पहले कंटेंट को लेफ्ट में लिख लिया जाता है, आप सभी जानते हैं। इजिप्त देश को अरबी भाषा में मिस्र कहते हैं। स्थान, विस्तार, सीमा: इस देश का स्थान 20 डिग्री से 32 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 25 डिग्री से 36 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। प्राकृतिक संसाधन: जल संसाधन: नील नदी इस देश की प्रमुख नदी है। पोर्ट सईद, कैरो और अलेक्जेंड्रिया, इन 3 महानगरों के बीच नील नदी का उपजाऊ क्षेत्र व्याप्त है। असवान के पास इस नदी पर 2 बड़े बांध बनाए गए हैं। इससे देश के जल सिंचाई और जल विद्युत उद्देश्य पूर्ण हुए हैं। नील नदी के फलस्वरूप उसके आसपास के मरुस्थली प्रदेश का विकास हुआ है और इजिप्त की उन्नति हुई, इसलिए नील नदी को इजिप्त का वरदान कहते हैं। वनस्पति: यहाँ कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एकेसिया, सिकेमोर और खजूर के पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। प्राणी और पशु: सियार, भेड़िया, सांप, बिच्छू, नेवला, बिलाव, कोबरा, ऊँट, गधा, बकरी इत्यादि। खनिज: लौह खनिज, जिप्सम, मैग्नीज, फास्फेट, चूने का पत्थर, संगमरमर की चट्टानें भी बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। अब टीचर एक्टिविटी पे आते हैं। टीचर पढ़ाएगा कैसे? अध्यापक पाठ की प्रस्तावना के उपरांत पाठ की शुरुआत मानचित्र दिखाकर करता है। शिक्षक मानचित्र के द्वारा इजिप्त की स्थिति और विस्तार स्पष्ट करते हैं। प्रश्न: भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। प्रश्न 2, नदियां जिस स्थान से गुजरती हैं उस स्थान पर किस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है? वी और यू आकार के। शिक्षक इजिप्त के जल संसाधन को स्पष्ट करता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। भारत के मुख्य वनस्पतियां कौन सी हैं? बच्चे बताते हैं, आम, चंदन, सागवान, बरगद, बगुल। भारत के नारियल के पेड़ अधिकतर किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? समुद्र तटीय। शिक्षक इजिप्त के वनस्पतियों को स्पष्ट करता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक भारत के विषय में पूछता है और छात्र बताते हैं, और शिक्षक जो है नई जानकारी इजिप्त प्रदेश के विषय में बताता है।
आगे शिक्षक इजिप्त के वनस्पतियों को स्पष्ट करता है। प्रश्न 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? शेर। भारत में शेरों की संख्या में हो रही कमी दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया? तो सेव टाइगर प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है। सेव टाइगर प्रोजेक्ट से भारत को क्या लाभ मिलेगा? कोर एलिमेंट होगा कि पर्यटन का केंद्र बनेगा। शिक्षक इजिप्त के प्राणी और खनिज को स्पष्ट करता है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये टीचर एक्टिविटी में आ गया दोस्तों, तो क्लोजर करेंगे। तो आज हमने इजिप्त के प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन किया। ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज्योग्राफी है। डेट डालिए, कक्षा डालिए, विषय लिखिए, प्रकरण का नाम लिखिए, मानचित्र दिखा करके प्राकृतिक संसाधन के विषय में लिखिए, मेन मेन चीज़ लिखिए, प्राणी पशु मेन मेन लिख दीजिए, खनिज लिख दीजिए, फास्फेट चूने का पत्थर जो भी है। और रिकैप्चुलेशन में प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि इजिप्त की प्रमुख नदी का नाम बताओ, इजिप्त की वनस्पतियों के बारे में बताओ, इजिप्त के प्राणी और पशुओं के नाम बताओ, इजिप्त में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। टीचिंग एड मानचित्र और चित्र, कोर एलिमेंट पढ़ाते टाइम में बताना है कि भारत देश का राष्ट्रीय प्राणी शेर है। यहाँ पर पर्यटन आएंगे, उन्हें यहीं पर शेर की कमी का पता चलेगा, तो ये हमारे देश के लिए हितकर नहीं होगा, इसलिए सेव टाइगर प्रोजेक्ट में सबको सहयोग देना चाहिए। एप्लीकेशन में कारण बताओ, इसमें पूछा जाता है कि नील नदी को इजिप्त का वरदान कहा जाता है। वैल्यूज पढ़ाते टाइम आने चाहिए, दूसरों का आदर, देश प्रेम, एकता, सहयोग। असाइनमेंट दीजिए, इजिप्त के विषय में विस्तार पूर्वक 300 शब्दों में लिखिए और मेथोडोलॉजी इसमें यूज़ की गई है चर्चा, प्रश्नोत्तर और स्पष्टीकरण। तो ये हो गया इजिप्त का। अब आइए एक और दूसरा देश देख लेते हैं, इटली। सेम प्रोसेस, इसमें खाली जो वहाँ पे इजिप्त था वहाँ पे आपको इटली लिखना है, तो ये सब आ जाएगा उसमें। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे आते हैं इसमें कि शिक्षक प्रश्न पूछकर पाठ की प्रस्तावना करते हैं। यदि आपको विदेश में किसी जगह का पर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे? मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, अमेरिका, बच्चे कहते हैं। प्रश्न 2, स्विट्ज़रलैंड के पड़ोसी देश का नाम बताओ, बच्चे बताते हैं इटली और ऑस्ट्रिया। और विश्व के सबसे छोटे देश का नाम बताओ, वेटिकन सिटी, बताते हैं बच्चे। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में आते हैं, तो आज इस देश से सटे इटली के विषय में हम अध्ययन करेंगे। यूरोप महाद्वीप का इटली देश रोमन कालीन प्राचीन संस्कृति तथा श्रेष्ठ कलाकृतियों के लिए संसार में विख्यात है। टीचिंग पॉइंट्स में लिख देना है, स्थिति विस्तार सीमा को लिख देना है, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, प्रमुख महानगर, ये सब चीज़ें यहाँ पर टीचिंग कंटेंट में लिखना है। उसके बाद टीचिंग एक्टिविटी मेन है कि शिक्षक प्रश्नों द्वारा प्रस्तावना के उपरांत पाठ का स्पष्टीकरण करते हैं। छात्र मानचित्र की सहायता से इटली की स्थिति को स्पष्ट करते हैं छात्र के समक्ष और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब भारत के विषय में बताकर वो इटली के विषय में नई जानकारी देते हैं बच्चों को। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। भारत के उत्तर में कश्मीर में कौन सा तीर्थ स्थल है? वैष्णो देवी। शिक्षक इटली को प्राकृतिक संसाधन को स्पष्ट करते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। भारत में ग्रीष्मकाल में किस प्रकार के सूर्य की किरणें आती हैं? लंबवत पड़ती हैं। भारत में शीतकाल की किस प्रकार किरणें आती हैं? तिरछी किरणें आती हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण और नम। शिक्षक भारत की जलवायु के विषय में बताता है और इटली की जलवायु को स्पष्ट करता है, इस समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। भारत में मेघा पाटकर ने किस नदी के लिए आंदोलन किया था? नर्मदा नदी के लिए। वीरप्पन किस लकड़ी की तस्करी करता था? चंदन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? शेर। शिक्षक इटली के जल वन प्राणी खनिज संसाधन को स्पष्ट करता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। भारत के प्रमुख महानगर के नाम कोर एलिमेंट में आ जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई। शिक्षक इटली के प्रमुख महानगर बताता है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और तो आज हमने इटली के विषय में अध्ययन किया। ब्लैकबोर्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, जो भी मेन मेन चीज़ें इसमें लिख देना है,
टीचिंग एड में मानचित्र रहेगा। रिकैप्चुलेशन में वही क्वेश्चंस पूछने हैं कि इटली किस खनिज के उत्पादन में अग्रसर है, इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, इटली के प्रमुख महानगरों के नाम बताओ, इटली के प्राकृतिक संसाधनों को संक्षेप में बताओ। और कोर एलिमेंट में आ जाएगा कि भारत के चार महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में विकास चरम सीमा पर है, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या अधिक हो गई। यहाँ के उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या कम नहीं हो रही है, इसलिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। वैल्यूज़ में आ जाएगा विकास, सहयोग, समय का सदुपयोग, देश प्रेम। कारण बताओ, वेनिस को नहरों का महानगर कहते हैं। असाइनमेंट में आ जाएगा दोस्तों कि इटली के प्रमुख महानगरों की विस्तृत जानकारी दीजिए, और मेथोडोलॉजी सेम, चर्चा, प्रश्नोत्तर और स्पष्टीकरण, चारों में यही मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है। अब अगला देश लेते हैं दोस्तों, जर्मनी, जो कि बहुत ही विकसित देश है। जर्मनी में भी वही करना है, छात्र विश्व के विविध देशों के बारे में जानता है, जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन में सिर्फ वहाँ पे जो इटली या इजिप्त था वहाँ पे जर्मनी लिख देना है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं डायरेक्ट। शिक्षक चित्र दिखाकर पाठ की प्रस्तावना करते हैं। यह किसका चित्र है? कैमरा। इसका उत्पादन कौन सा देश अधिक करते हैं? जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। यह किसका चित्र है? सूक्ष्मदर्शक। इसका निर्माण किन देशों में होता है? जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो स्टेटमेंट ऑफ एम पे आता है शिक्षक। तो आज हम औद्योगिक दृष्टि से विकसित जर्मनी के विषय में अध्ययन करेंगे। ये बच्चों से निकलवाना होता है। सेम मेथोडोलॉजी इसमें भी यूज़ की जाएगी कि जर्मनी के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। फिर शिक्षक टीचिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं कि भारत के बारे में बताते हैं और हम जर्मनी के विषय, भारत के बारे में बच्चों से पूछते हैं और जर्मनी के विषय में शिक्षक नई जानकारी देता है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के बीचों बीच में कौन सी रेखा गई है? विषुवत रेखा। शिक्षक जर्मनी की स्थिति और विस्तार को स्पष्ट करता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। भारत के उत्तर में कौन से पड़ोसी देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री। शिक्षक जर्मनी की प्राकृतिक संपदा को स्पष्ट करता है। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है? 70। गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? कृषि। शिक्षक जर्मनी की कृषि के विषय में स्पष्ट करता है और छात्र सुनते हैं। भारत में मत्स्य व्यवसाय का विकास किस कारण हुआ है? महाद्वीपी मग्न तट के कारण हुआ है। इस पर एक सेवेंथ या सिक्स में एक पूरा चैप्टर है महाद्वीपीय मग्न तट पर। शिक्षक जर्मनी के मत्स्य व्यवसाय के विषय में स्पष्ट करता है। भारत के उद्योगों का केंद्रीकरण शहरों में अधिक हुआ है, कोर एलिमेंट में आ जाता है, शहरों में सभी आवश्यक सुविधाएं मिलती है। इसलिए शिक्षक जर्मनी के उद्योग को स्पष्ट करता है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो आज हमने जर्मनी के प्राकृतिक संपदा और व्यवसाय के विषय में अध्ययन किया। ब्लैकबोर्ड वर्क, मेन चीज़ें यहाँ लिख दी जाए। टीचिंग एड, चित्र मानचित्र यूज़ किया गया है। रिकैप्चुलेशन में यहाँ आएगा जर्मनी में किस नदी का उपयोग खनिजों के यातायात के लिए किया जाता है। जर्मनी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जर्मनी में कृषि व्यवसाय के विषय में बताओ। जर्मनी में प्रमुख व्यवसाय का वर्णन करो। और एक कोर एलिमेंट में दे रहा है, भारत में केवल शहरों में व्यवसाय का केंद्रीकरण हुआ है, इसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधे होंगे तो गाँव में से शहरों की तरफ आने वालों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। एप्लीकेशन में आएगा जर्मनी, कारण बताओ, जर्मनी औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र है। और वैल्यूज में आएगा वसुधैव कुटुंबकम, देश प्रेम, आधुनिकीकरण, सहयोग। असाइनमेंट देंगे कि जर्मनी के व्यवसाय के विषय में विस्तृत जानकारी और मेथोडोलॉजी सेम। तो ये हो गया जर्मनी के विषय में। और अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के विषय में। ऑस्ट्रेलिया का भी सेम ही टाइप है, थोड़ा देख लेते हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन और जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशन, खाली ऑस्ट्रेलिया सब जगह पे चेंज कर देना है। इंट्रोडक्शन, शिक्षक चित्र दिखाकर पाठ की प्रस्तावना करता है। कंगारू का चित्र दिखाता है, यह किस देश का प्राणी है? ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया के विषय में अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विषय में यहाँ पे पूरा लिख लेंगे
ऑस्ट्रेलिया कंगारू के रूप में जाना जाता है, यह संसार की सबसे बड़ा द्वीप है, इसका विस्तार लिखना है, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, प्राणी संसाधन और खनिज संसाधन, ये इस तरफ विस्तृत रूप से लिख लेना है। और टीचिंग एक्टिविटी में आते हैं कि शिक्षक प्रश्न पूछकर और मानचित्र दिखाकर पाठ की शुरुआत करता है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। शिक्षक ऑस्ट्रेलिया का विस्तार स्पष्ट करता है। भारत के उत्तर में कौन सा ऊंचा पर्वत है? हिमालय। शिक्षक ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संरचना को स्पष्ट करता है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण और नम। भारत में कितनी मुख्य ऋतुएं पाई जाती हैं? ग्रीष्म, वर्षा और शीत। शिक्षक ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को स्पष्ट करता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। नदियाँ जहाँ सागर में मिलती है उसे कौन सा प्रदेश कहते हैं? डेल्टा प्रदेश। भारत में सबसे कीमती लकड़ी कौन से पेड़ की होती है? सागवान। शिक्षक ऑस्ट्रेलिया के नदियों और वन संसाधन के विषय में स्पष्ट करता है। भारत में विविधता में एकता पाई जाती है, कोर एलिमेंट है, विविध धर्म जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं और हम सब एक हैं, ऐसा बच्चे बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत में कौन से खनिज पाए जाते हैं? बॉक्साइट, लोहा, कोयला, मैग्नीज इत्यादि। शिक्षक ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन की जानकारी देता है और छात्र सुनते हैं। ये सब एक्टिविटी करने के बाद क्लोजर किया जाता है। तो आज हमने ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के विषय में जानकारी प्राप्त की। ब्लैक बोर्ड वर्क पे आते हैं। मेन चीज़ें लिख देनी है ब्लैक बोर्ड वर्क में, टीचिंग एड, चित्र, मानचित्र। रिकैप्चुलेशन में आएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, संसार के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया के प्राणी संसाधन की जानकारी लिखिए। एप्लीकेशन में आएगा कारण बताओ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खनिजों का भंडार है। और असाइनमेंट देंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन के विस्तार विषय में विस्तार से लिखिए। और कोर एलिमेंट आएगा दोस्तों, विश्व के देशों के विषय में हमें अध्ययन करना जरूरी है। जब हम उस देश के विषय में जानेंगे और उसे व्यापारिक संबंध बनाएंगे तो हमारे देश का विकास होगा। वैल्यूज में आएगा विविधता में एकता, सर्वधर्म संभाव, सहयोग, समानता और मेथोडोलॉजी, चर्चा, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण। तो दोस्तों आज हमने ज्योग्राफी के चार लेसन प्लान, चार देशों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। पहला इजिप्त, दूसरा इटली, तीसरा जर्मनी और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।